Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास iQOO का Z7 है और इस फोन की आप 3-बटन नेविगेशन की सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि बैक बटन आपको लेफ्ट हैंड साइड से होता है, अगर आप इसको राइट हैंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इन बटनों को हटा के इस फोन में जैसा नेविगेशन आप सेट करना चाहते हैं तो आप उनको भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर जानते हैं कैसे उनको सेट करेंगे। आप अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को ओपन करने पर यहाँ कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम का ऑप्शन। इस सिस्टम ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सिस्टम नेविगेशन पे आपको क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे अगर बटनों की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ बटन को आप सेट करके यहाँ पे डायरेक्शन को बदल सकते हैं। यहाँ पे आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं इसका, वो आपके हिसाब से आप इनको सेट कर पाएंगे। अगर जैसे नेविगेशन को सेट करना चाहते हैं तो जैसे पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके जैसे नेविगेशन सेट हो जाते हैं। यहाँ एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, चाहे तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आपके यहाँ से लाइन भी गायब हो जाएगी और जैसे का आप यूज इस तरह से कर पाएंगे। यहाँ से क्लिक करने भी बैक कर पाएंगे, यहाँ से भी बैक कर पाएंगे। होम बटन को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और रिसेंट एप्स को यूज करने के लिए इस तरह से प्रेस करके रखना हो कुछ मिनी सेकंड के लिए, फिर आपके रिसेंट एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन की 3-बटन नेविगेशन की सेटिंग को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।